धर्म पूजा पाठ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों आइए आज जानते हैं ज्वालामुखी योग और बिछुड़ा। ज्वालामुखी योग कब होता है और बिछुड़ा कब होता है और इसका प्रतिकार क्या है, वो ये सब जानेंगे। ज्वालामुखी योग प्रतिपदा के दिन अगर मूल नक्षत्र या पंचमी में भरणी नक्षत्र, अष्टमी में कृतिका नक्षत्र और नवमी में रोहिणी तथा दसवीं में आश्लेखा नक्षत्र आने पर यह योग होता है। इसमें सभी कार्य नहीं करने चाहिए, किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, परंतु मित्रों यदि उसी दिन सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग भी हो जाए तो इसका फल नगण्य, मतलब शुभ कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से बिछुड़ा यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहता है तो राजस्थान के कई जगहों पर इसे बिछुड़ा के नाम से जानते हैं, इसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो मित्रों यदि इसमें भी कोई शुभ योग आ जाता है इसमें भी कार्य कर सकते हैं। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपने चैनल को प्रोत्साहित करते रहें। जय श्री कृष्ण।